स्टूडेंट कवर्ड यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग सिस्टम टेस्टिंग नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स दाइनल स्टेजिज वंस योर सिस्टम इज रेडी फॉर डिलीवरी देर आर केसेज वन यू आर लेट से वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट देन यू नीड टू हैव एक्सेप्टन आप इमेजन करें अगर आपने एक टी वी खरीदा एक टेलीविजन खरीद रहे हैं तो आप उसको चला के तो देखेंगे अब अगर आपको सोनी वाले कहेंगे सर आपसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है हमारा आपने तो आज लेने शुरू किए हैं टी हम पिछले डेढ़ सौ साल से बना रहे तो आपने हमारा सिस्टम क्यों चेक किया हम नहीं बेचते ये नहीं हो सकता दिस मीन्स कि आपको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्लाइंट का राइट right है आपको ये राइट right आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा और करवा के भी देना पड़ेगा देन आपकी अराउंड फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट पेमेंट इज स्टक जहाँ पे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगी सनडाउनिंग एग्जिट होगा फिर उसके बाद आप जा आपको जाके पैसे मिलेंगे तो आपके लिए ये मजबूरी है एज पार्ट ऑफ योर सिस्टम एज पार्ट ऑफ योर नॉर्म्स आपको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करनी करवानी पड़ेगी अब दिस मीन्स के आपको या तो करनी करवाने से मुराद ये है कि या तो क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ बैठेगा या आप ऑन योर ओन टेस्टिंग करेंगे और किसी किस्म का टेस्ट रिजल्ट, रिजल्ट क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे अच्छा जनाब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज टेस्टिंग विद रिस्पेक्ट टू यूजर नीड्स अब देखिए अब पहले फोकस शुरू में फोकस था इंजीनियरिंग यूनिट करते हुए देन इंजीनियरिंग एंड काइंड ऑफ बिजनेस देन इट वाज़ बिजनेस एंड नाउ इट इज जस्ट बिजनेस यूजर नीड्स रिक्वायरमेंट्स बिजनेस प्रोसेसेस कंडक्टेड टू डिटर्मिन वैदर और नॉट सिस्टम सेटिसफाइज एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड टू एनेबल द यूजर कस्टमर और अदर ऑथराइज एंटिटी टू डिटर्मिन वैदर और नॉट टू एक्सेप्ट दिस्टम देखिए आप ये पुल बनता है साथ आपके तो एक एक्सेप्टेंस टीम आएगी ये आपकी ये जिस आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है एक एक्सेप्टेंस टीम आई होगी जिन्होंने आके हर चीज को ठोक बजा के देखा होगा कि क्या ये जो हमारी बात हुई थी उसके मुताबिक है ये बात किधर होती है आपकी बात आपकी होती है एसआरएस में आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में आप जाके इसको लिखते हैं कि जी हमें कल को ये चाहिए फिर आप एक मैंने आपके साथ शेयर भी की थी वॉल्वो की एक केस स्टडी थी जिसमें द सिस्टम वाज डूइंग एवरीथिंग व्हाट इट वाज सपोज टू इट वाज जस्ट फॉलिंग शॉर्ट और फेलिंग ऑन वन ग्राउंड क्या था कि इट वाज हैंडलिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ वन डे इन टू डेज दिस मींस के वॉल्वो अगर इसे एक साल यूज करता तो उसके पास एक साल का बैकलॉग आ जाता विच इज नॉट एक्सेप्टेबल अब सिस्टम तो रेडी है अगर वॉल्वो इसे एक्सेप्ट कर दे कि नहीं ठीक है जी आपने देखिए बड़ी मेहनत की है आपने दो साल काम किया इंजीनियर तो आप बड़े अच्छे हैं कोई बात नहीं हमारा नुकसान हो गया तो हो गया कैन कैन दिस हैपन बिजनेसिस डू नॉट रन दिस वे दिस वे दिस मीन्स के एक्सेप्टेंस टेस्टिंग तो होगी अब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के पैरामीटर्स क्या है वो हम देखने जा रहे हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज अ फॉर्मल टेस्टिंग फॉर्मल टेस्टिंग कंडक्टेड टू डिटर्मिन वेदर अस्टम से आपको या तो आपकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया अगर आप कुछ नहीं होगा तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा आपकी एस आर एस जिसे आपने भी साइन किया था और क्लाइंट ने भी साइन किया था सो so, पहली अगर कुछ नहीं है तो एस आर एस तो है ना नहीं तो आपका एक सेट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी हो सकता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग अब ये देखिए इसके हम थोड़े से एंगल्स देखने जा रहे हैं यूजर एक्सेप्टेंस कंडक्टेड बाय द कस्टमर टू इंश्योर दैट द सिस्टम सैटिस्फाइज कॉन्ट्रैक्टुअल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बिफोर बींग साइंड ऑफ एज मीटिंग यूजर नीड्स अब देखिए जनाब ये तो होगी यूजर एक्सेप्टेंस अगली चीज बिजनेस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग undertaken within the development organization of the supplier to ensure that the system will eventually pass the user acceptance testing considering all business cases user acceptance business acceptance also known as operational acceptance then contract and regulation acceptance आपकी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि जनाब जो कि मे बी आप एस आर एस को एज पार्ट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट बनाए कि जनाब आपका सिस्टम वर्स्ट केस में भी फाइव सेकेंड से ज़्यादा रिस्पॉन्स डिले नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा आपने अब ये आपको करके दिखाना पड़ेगा और सिस्टम आके यूज़र ख़ुद टेस्ट करके जाएगा कि हाँ मेरे हिसाब से इसको इस तरह ये चीज़ होनी चाहिए सो अब आप देख लिए इस टेस्टिंग में एक टेस्टिंग हमने पहले की थी आपने देखा था ऑब्जर्वर्स थे टेस्टर्स थे और ऑब्जर्वर्स थे ये कौन सी टेस्टिंग थी जनाब बिल्कुल यूज़बिलिटी। अब यहां पे क्या है टेस्टर्स हैं। टेस्टर्स टीम वन टेस्टर्स टीम टू टेस्टर्स इज द डेवलपमेंट साइड टेस्टर्स जो कि डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के टेस्टर्स टेस्टर्स टीम टू ये कौन लोग हैं ये यूजर रिप्रजेंटेटिव अलॉन्ग साइड दे विल वर्क अलोंग साइड ओके

और अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स uh, पूरी नहीं कर पाएगा देन इट माइट लीड टू फर्दर इशूज हम ये चाहते हैं कि इसको पहले एक्सेप्टेंस और देन डिटर्मिन द रेडीनेस ऑफ द सिस्टम आप ये चेक, च, चेक करना चाह रहे हैं कि इट हैज टू गो लाइव बिफोर गो लाइव यू वॉन्ट टू सी वॉट इज द रेडीनेस ऑफ द सिस्टम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस बैकअप एंड रिकवरी यूजेबिलिटी, परफॉर्मेंस स्टार्टअप टाइम स्ट्रेस लोड वॉल्यूम रिलायबिलिटी अवेलेबिलिटी मेंटेनेबिलिटी, सर्विसबिलिटी रोबस्टनेस टाइमलीनेस कंप्लाइंस डॉक्यूमेंटेशन एटसेट्रा क्या ये सबको लेंगे नहीं यही असल बात है या जो मैं आपके जेहन में लेकर स्टार्टिंग फ्रॉम फंक्शनल करेक्टनेस टू डॉक्यूमेंटेशन वी हैव गॉन मैनी स्टेप्स एंड दीज स्टेप्स आर नॉट एग्जॉस्टिव बाई एनी मीनस अब हम कहना ये चाह रहे हैं कि आप ये सारे के सारे आस्पेक्ट जहन में रख के आप क्या कर बनाएंगे राइट मिक्स एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिस्कस्ड आर टू मैनी एंड वेरी जनरल कस्टमर नीड्स टू सेलेक्ट सबसेट ऑफ क्वालिटी एटीट्यूट आपका कस्टमर एक सबसेट चूज करेगा जो हमने ये इतनी बड़ी लाइन बनाई है हम इनमें से एक सबसेट चूज करेंगे ये सबसेट आपका क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आर प्रायरटाइज अब ये प्रायोरिटाइज होंगे और फिर उसके बेसिस पे आप एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कंडक्ट करेंगे ओके अब जनाब आखिरी चीज में कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्यूए टीम क्या होगी मैं पहले बता चुका हूं कि या तो नो no इन्वॉल्वमेंट होगी या असिस्ट होगी और या परफॉर्म यू एंड प्रेजेंट रिजल्ट्स होगी देखिए आप मैंने कहा था कि या तो नो इन्वॉल्वमेंट सिर्फ कस्टमर का रिप्रेजेंटेटिव आया उसने आके चीजें टेस्ट की आपको उसने इन्वॉल्व नहीं किया देवर क्लियर इनफ उन्होंने आपको एक्सेप्टेंस दी या रिजेक्ट कर दिया या आपको उसे बताया कि पार्टली रिजेक्टेड है नो इन्वॉल्वमेंट असिस्ट मैंने कहा टीम वन टीम टू एक टीम डेवलपमेंट की एक टीम किसकी कस्टमर की या आपके क्लाइंट की क्लाइंट की रिप्रेजेंटेटिव uh, और दे दे देख ंग साइड परफॉर्म यू ए एन प्रजेंट तीसरा एक्सट्रीम के जनाब आप ही को कस्टमर ने कह दिया कि जनाब आप मुझे ये फला टेस्ट रन करेंगे मिक्स कहाँ से आएगा यहाँ से आएगा सबसेट निकाला और आपको बताया कि जनाब ये आपका रिजल्ट होगा आप इसके ऊपर टेस्ट करेंगे अगर ये ये हो गया तो हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे नहीं तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे